गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई लोकनाथ लिमिटेड है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर में देखिए इक्विटी कैपिटल है 250, 10% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 150, 12% डिबेंचर 1,00,000। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, 50% टैक्स है। ओके, तो हमको सबसे पहले के ई जानना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस, देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, उसके बाद वेटेड एवरेज होगा। इक्विटी का देखिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डिविडेंड यहां 15% है, इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, आपका रिजर्व सरप्लस नहीं है, इसलिए बुक वैल्यू भी कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा। यही इसका बुक वैल्यू हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा। तो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन केई को ही 15% ले लिया जाएगा। ओके, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केई विल बी टेकन एज 15%। यहाँ प्रिफरेंस शेयर देखिए रिडीमेबल है 10% प्रीमियम है, ईयर 10 ईयर्स है, तो केपी कैलकुलेट करना होगा। डिवेंचर देखिए रिडीमेबल एट पार है, लाइफ 5 साल है, तो केडी भी कैलकुलेट करना होगा। केई यही दिया हुआ है, एज्यूम हो जाएगा, केपी कैलकुलेट करेंगे, केडी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको लेके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनकम टैक्स का रेट है 50%। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करना है, से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को केई से डिनोट करेंगे, केई 15% डिविडेंड रेट दिया हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो केई को ही 15% एज्यूम कर लेंगे। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, इसको केपी से डिनोट करेंगे, केपी इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय एन, रिडीमेबल वैल्यू प्लस सेल वैल्यू बाय 2, वेयर डी 100 रुपया का प्रिफरेंस शेयर मान लिया जाए, 10% डिविडेंड का रेट है, तो डी आपका 10 रुपया। रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो 100 प्लस 10 110। सेल वैल्यू कुछ नहीं बोला है, 100 इन नंबर ऑफ इयर्स 10। इसको आप एक बार देख लो, क्लियर। ये देखिए इक्विटी का रेट 15% था, इसी को के ही एज्यूम कर लिए। प्रिफरेंस शेयर 10% डिविडेंड है, रिडीमेबल वैल्यू 10% प्रीमियम है, लाइफ 10 है, इश्यू के बारे में कुछ नहीं बोला, 100 एज्यूम कर लिए। अब इसको लाके यहाँ फिलअप करना है, डिविडेंड 10 रुपया, रिडीमेबल वैल्यू 110, सेल वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 10, 110 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1 रुपया, 10 रुपया 11 रुपया, ये हो जाएगा आपका 105। 11 डिवाइडेड बाई 105, 10 48, 0.1048, दैट इज 10.48%। ये हो गया 10.48%। तो एक नंबर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, दो नंबर कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस हो गया, नंबर 3 कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को केडी से डिनोट करेंगे, क्लियर। केडी इक्वल टू आई आर बी माइनस एस बी बाई एन, बाहर लेते हैं 1 माइनस टी,
आर वी प्लस एस वी बाई टू, ठीक है, वेयर आई इंटरेस्ट होता है 100 रुपया का 12%, 100 रुपया का 12%, 12 रिडीमेबल वैल्यू पार है, सेल वैल्यू पार है, नंबर ऑफ इयर्स 5 है, टैक्स आपका 50 है, ठीक है। इसको एक बार आप देख लो, ये देखो डिवेंचर का 12% है, ठीक है, तो 12 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, रिडीमेबल एट पार है, सेल वैल्यू कुछ बोला नहीं, वो भी एट पार है, लाइफ 5 साल, और नीचे टैक्स रेट देख लीजिए 50%, क्लियर है। अब इसको यहां फिलअप करते हैं, 12 प्लस 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5, 1 माइनस 0.5, 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 100, 0.06, दैट इज 6%, ओके। तो यहां पर आ गया आपका केई दिया हुआ था 15%, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस ले लिए 10.48, और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 6%। अब इसके हेल्प से वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये रख दिया आपको कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल का 250,000, इक्विटी शेयर कैपिटल इसका बुक वैल्यू 250,000 था, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 150,000, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 150,000, डिवेंचर 1,00,000, ओके। इसको अगर ऐड किया जाए तो टोटल कैपिटल 5,00,000, ये हो गया 100, इसमें से इसको कैलकुलेट करो 50%, 30%, 20%, कॉस्ट इक्विटी का 15 था, प्रिफरेंस का 10.48, 15, 10.48, और डिवेंचर का 6%, ये हो गया 7.5, दैट इज 7.5, 30 का हुआ 10.48%, 3.14, इसका हो गया 1.20, इसको ऐड कर दीजिए 3.14, 7.5, 1.2, दैट इज 11.84, ठीक है। तो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO 11.84%, ओके। केवल आप देख लीजिए कौन सा सोर्स में कितना पैसा था, देखिए इक्विटी कैपिटल में 2.5 लाख, प्रीफरेंस में 1.50, डिवेंचर में 1,00,000, ओके, कुल मिलाइएगा 5,00,000। इसको यहां प्रोपोर्शन में ले आए, कॉस्ट कैलकुलेट किए थे, ये बेटे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ओके, थैंक यू, बाय।